वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ़ मेट्रम एग्जाम्स प्रपेशन ये मेट्रम एग्ज़ाम्स की प्रपेशन सीरीज़ की वीडियो है कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको एम जी टी सिक्स जीरो टू की थीम नंबर थ्री के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं मेट्रम एग्जाम्स की प्रपेशन के लिए तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को इसमें सबसे पहले है, जो है वो टाइटल है रूट्स टू एंटरप्रीनियरशिप ज्वाइनिंग अ फैमिली बिजनेस सो ये थीम जो है वो फैमिली बिजनेस के बारे में है फैमिली बिज़नेस की बात करें तो कोई भी हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं है कि फैमिली बिज़नेस क्या है कई सारी डेफिनेशन हो सकती है लेकिन जो ऑनरशिप कंट्रोल है वो फैमिली मेंबर्स के हाथों में होता है सो तो यही जो है वो फैमिली बिज़नेस हम कह सकते हैं सो so, इसमें ना सिर्फ जो है वो ब्लड रिलेशन वाले फैमिली मेम्बर शामिल हैं बल्कि दूसरे रिलेटिव भी इसमें शामिल होते हैं फैमिली प्रैक्टिस ऑफ वैल्यू जो है वो इंफ्लुंस करती है फैमिली बिजनेसिस को लेकिन ज़ाहिर बात है कई सारे चैलेंजेस और करेक्टरिस्टिक्स हैं अगर मेंबर्स के दरमियान फैमिली मेंबर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उससे बिज़नेस का बहुत असर होता है काफ़ी नुकसान होता है और अगर कोई मेल मेंबर नहीं है फैमिली के अंदर तो डिफ़िकल्ट भी हो जाता है फीमेल फैमिली मेम्बर के लिए वो कि वो टेक ओवर कर सके बिज़नेस को और इसमें इस्पेली सोसाइटी का बड़ा रोल होता है अगर सोसाइटी की तरफ से जाहिर बात है सपोर्ट नहीं है यानी कि सोसाइटी अगेंस्ट है उनके फ़ीमेल फैमिली मेबर्स के लिए तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है इवन के वो कैपेबल हो रन करने के लिए बिजनेस को उसके बावजूद भी वो कैपेबल हैं लेकिन तब भी ज़ाहिर बात है सोसाइटी के प्रेशर की वजह से उनके लिए ज़्यादा मुश्किल आती हैं और फैमिली बिज़नेस जो है वो कभी कभी उनको फ़ेस करना पड़ता है रोल कॉन्फ्लिक्ट भी ज़ाहिर बात है रोल का कॉन्फ्लिक्ट आता है और वो कुछ इस तरीके से आता है जैसे कि पेरेंट एंड चिल्ड्रन वो जो है जाहिर बात है उनके लिए डिफ डि मुश्किल हो जाता है कि उनके अपना जो रोल है ज़ाहिर बात है पेरेंट्स चिल्ड्रन का रोल और फिर प्रोफेशनल रोल होना तो ये जो है काफ़ी हद तक जो है कभी कभी डिफ़िकल्ट भी हो जाता है सो so, ये भी डिफ़िकल्ट होता है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी होना अपने ही जारी बात है फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी होना ये भी मुश्किल हो सकता है सो फैमिली इशूज़ और कॉन्फ्लिक्ट जो है दिखाई देते हैं बिज़नेस के अंदर और कई सारे मेजर इशूज़ आते हैं जब सक्सेशन डिले भी होते हैं फिर और कभी कभी सीनियर फैमिली मैंबर को जो है वो फेयर ऑफ डेथ भी होता है सो so, वो इस चीज़ से आ, घबराते हैं कि ट्रांसफ़र करें बिज़नेस जो है वो नेक्स्ट जनरेशन को भी और कभी कभी सीनियर फैमिली मेम्बर जो है वो हेजिटेंट करते हैं कि वो शेयर कर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पावर भी क्योंकि उनको ये भी डर होता है कि कहीं पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो गलत भी उनका इस्तेमाल हो सकता है कभी कभी मेम्बर थ्रेड फील करते हैं पर्सनल आइडेंटिटी का और रिलेक्टेंट होते हैं कि ट्रांसफ़र करें अथॉरिटी और अगर कोई एक चिल्ड्रन जो है वो ज़्यादा इंगेज होता है बिज़नेस एक्टिविटीज़ में दूसरे ये फील करते हैं कि नेग्लेक्ट फील करते हैं जो कि सक्सेशन डिले के लिए भी बेस हो जाती है और फेयर ऑफ रिटायरमेंट जेलिसी के साथ और रेवलरी के साथ क्रिएट करता अनवानटेड डिले जो है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप के अंदर फैमिली बिजनेस की अपनी शेयर विजन वैल्यूज़ और गोल्स हैं और ये जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे बिजनेस हेफाजाटली लेकिन इनका एक जाहिर बात है प्रॉपरली प्लान भी होता है सो वेल रिटर्न प्रोसीजर्स और एक्सपेक्टेशन जो होती हैं फैमिली पार्टिसिपेशन के हवाले से बिज़नेस में और ये क्लियरली मेंशन होता है कि कितनी पार्टिसिपेशन जो होगी हर फैमिली मेंबर की यानी कि कितनी किसकी पार्टिसिपेशन होगी ये जो है जारी बात है होता है क्लियरली तौर पर मेंशन क्लियरली तौर पर लिखा हुआ और ये भी है क्लियरली मेंशन के रिटायरमेंट या डेथ के बाद कौन बिज़नेस को चलाएगा सो so, कुछ रिसर्च फैक्ट्स जो है फैमिली बिज़नेस के बारे में वो आते हैं हमारे सामने निकल कर सो so, रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि जितने भी बिजनेस हैं ग्लोब के अंदर एट्टी परसेंट का फैमिली बिज़नेस स्ट्रक्चर है और रेशियो कॉमन है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ सब कंट्रीज़ के लिए डेवलप कंट्रीज जितने भी और डेवलपिंग कंट्रीज जिसमें हमारा कंट्री भी आ जाता है सो फैमिली बिज़नेस जो है वो हो सकता है पेरेंट्स के साथ भी या फिर किसी भी ब्लड रिलेशन के साथ भी सो फैमिली कंसर्न है केयर और नर्चरिंग करना अपने फैमिली मेम्बर्स की एक तो ये भी है और एम्प्लॉयमेंट और एडवांसमेंट होना फर्म में और लॉयलिटी होना फैमिली के साथ भी बिज़नेस कंसर्न होते हैं प्रोडक्शन हो जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है गुड्स और सर्विस की और जरूरी होता है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो हैं तो फैमिली मेम्बर लेकिन प्रोफेशनल मैनेजमेंट होनी चाहिए और एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट ऑपरेशन होना फर्म का फैमिली बिज़नेस के फ़ायदे फा, की हम बात कर रहे हैं लाइफ की तरह जो जर्नी है बिज़नेस की वो भी स्मूथ नहीं है सो अप्स एंड डाउन आते हैं और टफ़ टाइम के दरमियान फैमिली मेबर्स जो है वो सैक्रीफाइस करते हैं उनके फाइनेंशियल बेनिफिट यूजली फैमिली बिज़नेस जो वो है वो डिस्टिंगश है मुख्तलिफे हैं दूसरे बिजनेसिस से और रिसर्च शो करती है कि फैमिली बिज़नेस जनरली शो करते हैं हाई लेवल ऑफ कंसर्न जो कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल वर्क और वेलफेयर एक्टिविटीज़ की तरफ भी और अनब्रेकेबल टाइज़ uh, होने की फैमिली टाइज़ होने की ऐसे फैमिली बिज़नेस प्लान जो है लॉन्ग uh, रन के लिए शो कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी और फैमिली बिजनेस के अंदर मोटिवेशन सक्सेस के लिए वो इसी तरह हाई होती है कि तमाम मेंबर ट्राई करते हैं अचीव करना कॉमन गोल्स उससे जो है वो क्या होता है कि म्यूचुअल सक्सेस होती है सो फैमिली बिज़नेस यूनिक एट्रीब्यूट्स की हम बात करें तो so, कैसे फैमिली बिजनेस जो है वो डिफरेंट है दूसरे बिज़नेस से उसके कल्चर uh, और कमिटमेंट के हवाले से सो स्टार्ट या जो इनिशिएशन होता है फैमिली बिज़नेस का यूजुअली तौर पे उसको करता है कोई एक इंडिविजुअल जो फाउंडर है जिसकी कोर वैल्यू ट्रांसमिट होती है बिज़नेस में और शेप अप देती है वो कल्चर को ऑर्गेनाइजेशन के सो so, जो काइंड ऑफ कमिटमेंट क्योंकि अफेक्ट करते हैं फैमिली बिजनेस को उसमें डिज़ायर बेस्ड कमिटमेंट आ जाती है ऑप्लिकेशन बेस्ड है नीड बेस्ड है कॉस्ट बेस्ड है फैमिली बिजनेस के अंदर जो सक्सेसफुल सक्सेशन है सक्सेशन से सम्राथ ये होता है कि एक के बाद दूसरे को मिलना है एक चीज़ एक अपना सक्सेसर बनाना खलीफा जिसको हम कहते हैं उर्दू के अंदर खलीफा कहा जाता है सक्सेसर को सो डिफ़रेंट कंसर्न होते हैं सक्सेशन के लिए पेरेंटल कंसर्न होते हैं कि पास करें वो अपना बिजनेस अपने चिल्ड्रन को और वो ये भी सोचते हैं कि जो उनका चाइल्ड है उसके पास जो है वो टैंपरामेंट और एबिलिटी भी है या नहीं जो बिज़नेस लीडरशिप के लिए ज़रूरी है ये भी बड़ी अहम चीज़ होती है ऐसे नहीं होता कि फैमिली बिज़नेस है तो ऐसे ही अपने चाइल्ड को जो वो दे दिया जाए तो फिर तो बिज़नेस जो है वो तबाह हो जाता है और ऐसे ही होता है कई बार और इसके अलावा ये कि कैसे मोटिवेट किया जाए चाइल्ड को कि वो पार्ट ले और इंटरेस्ट ले बिज़नेस में जारी बातें ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि शुरू से ही इंटरेस्ट पैदा किया जाए और मोटिवेट किया जाए चाइल्ड को ताकि फिर वो आगे इतना कैपेबल हो सके कि बिज़नेस को संभाल सके और किस तरह की एजुकेशन और कैपेबिलिटीज हेल्प करेंगी बिज़नेस का पार्ट बनने में ज़ाहिर बात है जो भी एजुकेशन है जिस तरह की भी एजुकेशन है अब ज़ाहिर बात है बिज़नेस करना है तो बिज़नेस से रिलेटेड एजुकेशन होनी चाहिए और इसके अलावा कैपिलिटीज़ भी जारी बात है होना चाहिए वो तमाम चीज़ें जो है वो आ, सीखें जो ज़रूरी है बिज़नेस चलाने के लिए और एट व्हाट टाइम दे शुड इंगेज देयर चिल्ड्रन इन बिज़नेस और कब जो है वो चिल्ड्रन को इंगेज किया जाए बिजनेस के अंदर ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कब किया जाए एजु कौन से एजुकेशन लेवल पर हो चिल्ड्रन के जब उसको इंगेज किया जाए सो ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन होता है सोचने वाला और क्या उनको डायरेक्ट एक ही बार में शामिल कर लिया जाए या फिर पहले ट्रेन किया जाए ये भी एक सोचने की चीज़ होती है और उनको पार्ट बनाने के बाद बिज़नेस का कैसे रोका जाए फेवरेटिज़म को जाहिर बात है फेवरेटिज़म को रोकना भी बड़ा ज़रूरी है और साथ में रिलेशन भी हेल्थी रखा जाए अपने चाइल्ड के साथ बिजनेस में शामिल करने के बाद भी तो so, कंडीशन जो कि बनाती है सक्सेशन जो है फैमिली बिजनेस के अंदर ईजी उसमें शामिल ये कि एक साउंड और प्रॉफिटेबल रनिंग बिजनेस का होना एक अच्छा जो है प्रॉफिटेबल रनिंग बिजनेस होना इसके अलावा स्टेबल और हेल्थी रिलेशनशिप होना है फैमिली मेम्बर्स के दरमियान जो कि बिज़नेस ज्वाइन कर रहे हैं और प्रायर डिसीशन अगर जो है वो हों सक्सेशन प्रोसेस के हवाले से जिन लिए जा चुके हैं सो प्लानिंग करना लीडरशिप सक्सेशन के बारे में एडवांस में और अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है और टीम ओरिएंटेड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ओवरऑल फैमिली लीडरशिप का वो बनाता है सक्सेशन को इजी सो so, कभी फोर्स ना किया जाए न्यूली ज्वाइनिंग मेम्बर को कि वो ज्वाइन करें बिजनेस को या फिर सर्टन पोजिशन हमेशा जो है वो प्रेजेंट करें ट्रू रियलिस्टिक प्रीव्यू अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जो कि उनके पास है फैमिली बिजनेस में और हमेशा ओपन रहें डिस्कस करने के लिए फैमिली इशू क्योंकि ओपन कम्युनिकेशन और डिस्कशन हेल्प करता है रिजॉल्व करने में इशू और बेनिफिट करता है बिज़नेस को बिजनेस फैमिली बिजनेस फैमिली बिजनेस टीम्स की हम बात करें तो इसमें डिफरेंट तरह की हमें टीम्स दिखाई देती हैं जैसे कि हस्बैंड वाइफ टीम जो है वो एग्जिस्ट करती है वेस्ट के अंदर वेस्ट के अंदर हमें स्पेशली दिखाई देती है हस्बैंड वाइफ टीम लेकिन अब हम पाकिस्तान में भी देखते हैं कि इस तरह की टीम एग्जिस्ट करती है स्पेशली सर्विस सेक्टर के अंदर प्राइवेट स्कूल्स के अंदर हम देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है हमें हमें यहाँ पे भी अब ये चीज़ जो है वो लोगों में जब से जाता है अवेयरनेस आती जा रही है बिज़नेस के हवाले से तो अब यहाँ पे भी हम ऐसी टीम देखते हैं और इस तरह की टीम जो है वो प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी के शेयर करें शेयर हों एक दूसरे की जो लाइफ है वहाँ पर सो so, दूसरी जो टीम है वो सन्स एंड डॉटर की टीम है सिबलिंग जो है जॉइन होते हैं बिजनेस के लिए मिल के जो है वो सिबलिंग्स जो है भाई बहन जो है मिल के जो है वो बिजनेस करते हैं और चांसेस होते हैं कि उनकी पर्सनल प्रेफरेंस वेरी कर सकती है एक दूसरे से और डिफरेंट हो, हो सकती है बिज़नेस से और उनकी क्वालिफिकेशन भी जाहिर बात है बिज़नेस रिक्वायरमेंट से डिफरेंट हो सकती हैं ज़रूरी नहीं कि बहन भाई हैं तो सबकी एक जैसी क्वालिफिकेशन होगी सो उनकी क्वालिफिकेशंस भी जाहिर बात है डिफरेंट हो सकती हैं और एट टाइम इन ऑफ वन फैमिली मेम्बर ऑल्सो ज्वाइन जो इन लॉज होते हैं जो ससुराल वाले होते हैं वो भी जारी बातें उनमें से भी कोई ज्वाइन कर सकता है और वो भी बिज़नेस का पार्ट बन सकते हैं सो इन लॉज जो है ये भी कोशिश करते हैं ज्वाइन करने की और ये भी पॉसिबल है कि जो इन लॉ ज्वाइन करें वो कैपेबल ना हो ये भी पॉसिबिलिटी है तो ये थी आज की वीडियो आपको इस में कोई क्वेश्चन है खासौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए टर्म फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ तो लक फॉर योर एग्जाम्स